सोनीपत लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली लगातार चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोहनलाल बड़ौली जींद सब्जी मंडी पहुंचे, जहां पर आड़तियों और दुकानदारों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और 400 पार के नारे लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ौली ने क्या कहा, सुनिए। आज ये जींद विधानसभा का प्रवास है शहर में और अभी सब्जी मंडी में हम पहुंचे। यहाँ सभी आड़ती भाइयों ने, सभी यहाँ छोटे दुकानदारों ने और जितने भी मासाखोर हैं उन सभी ने बहुत भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की योजनाएं, जो सबके साथ न्याय करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उन सब बातों की चर्चा करते हुए आज उन्होंने आशीर्वाद दिया है। बहुत बड़ा जनसमर्थन प्यार भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में 25 मई को होने वाले चुनाव में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। 400 पार का नारा क्या लगता है? अब की बार 400 पार से बहुत कम परसेंटेज हुई है। आज जो 102 सीटों पर 19 तारीख को चुनाव हुआ है उस पर बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और 400 पार से बहुत आगे ये नारा जाएगा। देशी जनता कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहती है, उसी प्रकार से विपक्ष का सफाया होगा। बड़ौली जी, विपक्ष आप पर हमलावर है बीजेपी पर कि अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये क्लियर कट कर दिया कि ये हमारा जो एजेंडा रहेगा वो संविधान को छूने तक नहीं देंगे, किसी को और बदलने की तो बात ही नहीं है। इससे देश का जैसे हमारी गीता रामायण है उससे भी ज्यादा हम अपने संविधान को सम्मान के साथ देते हैं। पूरे देश 140 करोड़ लोग सभी संविधान का आदर और सत्कार करते हुए संविधान पर अपना जीने का अधिकार मानते हैं और किसी भी प्रकार का जो भी ये इस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस करती है, कांग्रेस तो बहुत सारे दुष्प्रचार करती है। आपने तो ये एक संविधान बदलने की बात करी, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि देश को बेच देंगे। क्या कभी कोई इस देश को बेच पाया है? वो बहुत सारे ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं। देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, देश की जनता सब जानती है और देश की जनता को हम भगवान की तरह पूजते हैं। मोदी जी इस देश के पुजारी हैं और वो 140 करोड़ लोगों की पूजा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, भारत की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की। बेरोजगारी का मुद्दा है भी है यहाँ पर, जींद में बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर देने के बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी लेके आएंगे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा विचार है और उस विचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे से काम किया है। बड़ौली ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहती है और उसी प्रकार से विपक्ष का सफाया होगा। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान जींद विधायक कृष्ण मिड्डा, भाजपा नेता जवाहर सैनी, राज सैनी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।